फोर बेडरूम हाउस प्लान डिज़ाइन। तो डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम डोर ऐसे क्रिएट करेंगे, इधर भी डोर, इधर डोर, इधर फ्रंट साइड, इधर से एंट्री, इधर हम स्टेयर के नीचे से ऐसे डोर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आपको गेट दिखाई देगा। ठीक है, स्टेयर इधर से आप ऐसे आपको दिखाई देगा यहाँ पर डोर, और यहाँ पर आपको डबल डोर ऐसे मिल जाएगा, इधर भी डोर, इधर डोर, इधर डोर, इधर भी डोर, इधर डोर, इधर से हम डोर क्रिएट करेंगे, इधर भी डोर क्रिएट करेंगे, इधर से एंट्री, एंट्री, इधर से भी एंट्री। तो पीछे की साइड से भी हम एंट्री प्रोवाइड किया है, यहाँ पर आपको आर्च अभाव ऐसे मिल जाएगा। तो उसके बाद इसके अंदर हम कुछ कलर ऐड करेंगे, जिसके अंदर आपको विंडो का पोजीशन भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। देखिए ऐसे, तो यहाँ पर इंटरनल पार्टीशन वॉल ऐसे हम इसके अंदर हाईलाइट करेंगे, तो 5 इंच का वॉल ऐसे आपको मिल जाएगा। इधर भी हम हाईलाइट करेंगे, इधर भी ऐसे हम हाईलाइट करेंगे, इधर भी, इधर ऐसे आपको वॉल इंटरनल और आउटर वॉल मिलेगा, जिसके अंदर हम विंडो क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ वेंटिलेटर हम ऐड करेंगे, तो कुछ वेंटिलेटर आपको ऐसे दिखाई देगा पीछे के साइड से। ओके, ऐसे। तो इधर इसके अंदर भी हम कुछ विंडो ऐड करेंगे, क्योंकि इसका 4 साइड ओपन रख के हमने घर का डिज़ाइन बनाया है। अगर आपको इसके अंदर डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करना है, कुछ ऐड करना है डिज़ाइन के अंदर, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऐसे रहेगा, यहाँ पर भी ऐसे वॉल रहेगा, यहाँ पर एक विंडो इसके अंदर मिलेगा और एक विंडो इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके, और इसका जो वॉल है ऐसे आपको मिलेगा। तो हमने यहाँ पर जो किचन एरिया है सेंटर में रखा है। ठीक है, तो इसको रखने के बाद हम इसका जो डिटेलिंग है कितना है, देखिए यहाँ पर 1350 स्क्वायर फीट का एरिया है इधर। ठीक है, 1350। तो यहाँ पर कुछ विंडो हम ऐड करेंगे ऐसे, यहाँ पर वेंटिलेटर, वेंटिलेटर, यहाँ पर विंडो, दो फैमिली यहाँ पर आप रहने के लिए दो फैमिली का डिज़ाइन है। यहाँ पर भी विंडो रहेगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा पार्टीशन करना है तो आप कर सकते हैं, पार्टीशन करके इसको भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे करके हम विंडो यहाँ पर भी प्रोवाइड करेंगे, इधर भी वेंटिलेटर, इधर भी वेंटिलेटर, इधर विंडो ऐड करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद यहाँ पर जो है स्टेयर एरिया, कॉमन स्टेयर एरिया, यहाँ पर 3 फीट वाइड टोटल इसका जो लेंथ है, यहाँ पर टोटल लेंथ यहाँ पर जो है 4 फीट इधर और इधर 8 फीट। ओके, तो 4 फीट इधर यहाँ पर जो रहेगा 5 फीट। उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया, यहाँ पर किचन, इसका भी विंडो हम पीछे से रखेंगे। तो ड्राइंग डाइनिंग यहाँ पर जो एरिया है 10 फीट,
सिक्स इंच और यहाँ पर 15 फीट 10 इंच सेंटर में हम ओपन रखा है, यहाँ पर 6 फीट, यहाँ पर 9 फीट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 10 फीट 10 इंच का डिस्टेंस इधर तक आपको मिलेगा। यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर भी बेडरूम, यहाँ पर बालकनी, यहाँ पर अटैच टॉयलेट, बाथ प्लस लैट्रिन इधर, यहाँ पर भी बेडरूम, इधर भी बेडरूम, यहाँ पर बाथ प्लस लैट्रिन, यहाँ पर टॉयलेट, यहाँ पर भी बालकनी, इधर भी बालकनी। तो आप इस घर के साथ भी बालकनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है देखिए, यहाँ पर 14x12 इधर भी रहेगा, 14x12 इधर फ्रंट बालकनी, यहाँ पर रहेगा 11x6x यहाँ पर 12x6, सेम इधर रहेगा 11x6x12x6, यहाँ पर 5 फीट वाइड, यहाँ पर भी 5 फीट वाइड, इधर 5 फीट, इधर 5 फीट। ठीक है, 4 फीट 6 इधर मिलेगा और इधर जो है आपको 7 फीट 7 इंच, इधर भी 7 इंच, 4 फीट 6 इंच, तो इधर भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो बालकनी है 4 फीट 5 इंच इतना तक, और इधर जो है 8 फीट, इधर भी 8 फीट, इधर 4 फीट 6 इंच, यहाँ पर 3 फीट 4 इंच, इधर भी 3 फीट 4 इंच, ऐसे करके हमने इसके अंदर डिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, तो इस प्लान के अंदर टोटल जो कॉस्ट आएगा यहाँ पर, कॉस्टिंग यहाँ पर टोटल कॉस्ट यहाँ पर 20 लाख प्लस आएगा। तो आपको डिज़ाइन ड्राइंग अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।